ओडिशारे राज्य सरकार खणी उपरु निजस्व बकेया टिकस आदाय नै उपुजिछि द्वंद्व। खणी क्षेत्ररु निजस्व टिकस आदाय पई ओडिसेट आक्ट 2004 प्रणयन करथिले तत्कालीन राज्य सरकार। ए आईन को विरोध करी नालको एवं अन्य किछि कंपनी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। 2005 डिसेंबर 5 रे ओडिसा हाईकोर्ट ए आईन राज्य सरकार को क्षमता बहिर्भूत दर्शाई रद्द करथिले। एही आईन को सुप्रीम कोर्ट वैध नकरिबा पर्यंत राज्य सरकार निजस्व टिकस आदाय करि पारिबे नाही बोली खणि मंत्री विभूति भूषण जना मंगलवार विधानसभा रे विवृति रखी कहिछन्ती। गत जुलाई 31 तारीख रे सुप्रीम कोर्ट को 9 जणिया असंवैधानिक खंडपीठ खणि टिकस आदाय संपर्कित मामलार सुनानी करी स्पष्ट करथिले जे संवैधानिक व्यवस्था अनुजाई राज्य मानकर खणिज पदार्थ एवं खणि संलग्न जमी उपरे निजस्व टिकस बसाइबार वैधानिक अधिकार रहिछि। अगस्त 14 तारीख में पुनश्च यह मामलार शुणी कर राज्य माने टिकस पिछला भाव में 2005 एप्रिल 1 रु होता कारबार उपरे लागू करिपारिबे बोली सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देले। किंतु यह 2026 एप्रिल 1 रु 12 वर्ष रे वार्षिक किस्ती सूत्र में असूल करिपारिबे बोली कहिथिले। राज्य सरकार ओडिशा रे पिछला भाव में टिकस आदाय नकली राज्यर 1,10,000 कोटी राजस्व हरैबो बोली विरोधी बीजेडी सदस्य माने कहिसेंती। किंतु सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को आईन को वैध दर्शाइबा पर ही खणि मालिकों ठारु टिकस आदाय करा जाई पारिबो बोली खणि मंत्री कहिसेंती। इस संपर्क में अधिक सूचना अधिक आलोचना करिया पई आम सहित आम सीनियर लीगल रिपोर्टर विभूति साहू जोड़ी होती। विभूति, खणि टैक्स आदाय को लेकिन जो द्वंद्वटी रही द्वंद्व केमी दूर हो पार बिल्कुल टिकस आदाय को लेकिन राज्य अधिक राज्यर अधिकार अच्छी बोली पूर्वर सुप्रीम कोर्ट कही कि खणि मंत्री कहते ओडिशार ओडिसेट आक्ट वैध न होला जाए राज्य आदाय करना टिकस पूर्व हाईकोर्ट भी ओडिशार आईन रद्द करिछंती। भाव में खणि टैक्स आदाय को लेकिन गोटे बड़ कन्फ्यूजन गोटे बड़ द्वंद्व तैयारी ओडिशा राज्य सरकार खणि उपरु निजस्व बकेया टिकस आदाय नहीं एवं द्वंद्व उपजी। खणि क्षेत्र खास करके निजस्व टिकस आदाय पई ओडिसेट आक्ट 2004 प्रणयन करते तत्कालीन राज्य सरकार। अधिक सूचना पई आम सहित तो जोड़ी होती आम सीनियर लीगल रिपोर्टर विभूति साहू। विभूति मुझे कहली जे खणि टैक्स आदाय नहीं द्वंद्व केमती दूर हो पार देखु प्रवीण जहां देखिए बर्तमान ओडिशा रे राज्य सरकार खणि उपरु निजस्व जो बकेया टिकस आदाय करेंगे नहीं द्वंद्व उपजी मान्यवर सुप्रीम कोर्ट खणि क्षेत्र निजर टिकस आदाय करने जहां निर्देश देते जहां पिछला भाव राज्य सरकार मैंने आदाय करेंगे ओडिशा रे ओडिसेट आक्ट 2004 प्रणयन करते तत्कालीन राज्य सरकार एवं 2005 डिसेंबर 5 तारीख रे ए आक्ट को ओडिशा हाईकोर्ट बेआईन दर्शाई क्षमता बहिर्भूत राज्य सरकार यह दर्शाई ताकि रद्द कर दीते आईन सुप्रीम कोर्ट रे सुप्रीम कोर्ट वैध न करिया पर्यंत राज्य सरकार एक खणि टिकस आदाय बकेया टिकस आदाय करें गत काली विभूति भूषण जेना खणि मंत्री विधानसभा रे विवृति रखी कहते तब आप जानते जहाँकि जुलाई 31 तारीख में सुप्रीम कोर्ट को 9 जणिया सांविधानिक खंडपीठ निर्देश देते स्पष्ट करते सांविधानिक व्यवस्था अनुजाई राज्य सरकार मैंने खणि पदार्थ और खणि संलग्न जमी उपरे निजस्व टिकस बसेबार वैधानिक अधिकार रही कथा आसला जे ये पिछला भाव आदाय करेंगे ना बर्तमान ठार आदाय करेंगे अगस्ट 14 तारीख में पुनश्च शुणी होता से स्पष्ट करते मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय 2005 एप्रिल 1 रु होता कारबार उपरे टिकस आदाय करें राज्य सरकार किंतु यह 2026 एप्रिल 1 रु 12 वर्ष भितर वार्षिक किस्ती सूत्र में आदाय करें असूल करें एबे जितेबेले राज्य सरकार क्षमता आत का विरोधी बीजेडी सदस्य मैंने कहते जे 1,10,000 कोटी राजस्व आसी पार कि जदि यह आदाय न करती राज्य सरकार ताहले एथिरे क्षति घटव 1,10,000 कोटी राज्यर एवं सुप्रीम कोर्ट जेहेतु आकु वैध घोषणा करना ओडिशा आक्ट को 2004 ओडिशा आक्ट को तेणु ये आक्ट को वैध घोषणा करने पर ही राज्य सरकार ए खणि टिकस आदाय करें जो बकेया रही तेणु जिते खणि मंत्री
एभली बृत्ति रखी सारी तेणु वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रे ए मामलें जदि वैध घोषणा करा को मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय वैध बोली घोषणा करेंगे तापे ही टिकस राज्य सरकार आदाय करें। बहुत धन्यवाद विभूति, अधिक सूचना विभूति साहू आम सीनियर लीगल रिपोर्टर आम सहित जोड़ी हुई।